बनाने जा रहे हैं आलू भिंडी की सेल भाजी। ये हमारी सिंधी स्पेशलिटी है और ये सब्जी, ये भाजी मेरी फेवरेट है। बचपन में हमने बहुत खाई है बट कुछ सालों से हम लोग भूल गए थे, आज फिर से हम लोग ने स्टार्ट किया है। इसके लिए हमने ये इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, 2 आलू, 1 पाव भिंडी, 3 टमाटर, 1 कांदा, 2-4 गली लहसुन की, थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्ची अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आपको तीखा चाहिए। ये हमने भिंडी काट के रखी है, इसको बीच में से भी काटने का है और ये कांदा है जो वो कद्दूकस करने का है। ये आलू भी हमने स्लाइस कट किया है, राउंड में ऐसे कट करने की है। आप चाहें तो इसको मिक्सर में भी प्यूरी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब इसको हम मिनी चॉपर में चॉप करेंगे। अभी हम लोग भिंडी को थोड़ा सा डीप फ्राई करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार सॉल्ट डाल देते हैं हम लोग भिंडी में। ये जो कांदा हमने कद्दूकस करके रखा है उसमें लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं और नमक जो है खाली कांदे के हिसाब से डाले हैं क्योंकि भिंडी में हमने सॉल्ट डाला है। 1 टीस्पून लाल मिर्ची, धनिया, जीरा पाउडर, हल्दी, काली मिर्ची, इसको मिक्स करने का है। ये हमारी भिंडी डीप फ्राई हो गई, अभी ये जो मसाला बनाया था ये भिंडी के बीच में भरने का है। सब भिंडी में ये मसाला भर के कुकर में डालने का है। ये सब भिंडी हमने मसाला भर दिया है, अभी भिंडी को हम लोग कुकर में डालेंगे। ये आलू हम लोग कुकर में डाल रहे हैं, आलू को वॉश करके डालना है। इसमें हम लोग सॉल्ट डालेंगे आलू के हिसाब से, क्योंकि भिंडी में पहले ही हमने सॉल्ट डाला है, मसाले में सॉल्ट डाला है, अभी आलू के हिसाब से खाली सॉल्ट डालने का है। 1/8 टीस्पून लाल मिर्ची, जीरा पाउडर, हल्दी, धनिया, काली मिर्ची, ये सब हमें 1/8 डालना है, सिर्फ हमें हल्दी आधा डालना है। और ये जो हमने टमाटर कद्दूकस कर रखा था वो टमाटर डालेंगे और थोड़ा सा घी डालेंगे, इसको थोड़ा सा लहसुन देते हैं। दो 3 चम्मच पानी डालेंगे और 4-5 सीटी लगा के भाजी तैयार हो गई। तो ये हमारी सब्जी बन गई है, इतनी खुशबू आती है सब्जी बनाने के टाइम, पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। ये भाजी में थोड़ी सी थिकी ग्रेवी है, अच्छा लगेगा बहुत। रेडी हो गई हमारी सिंधी स्पेशल भाजी, सिंधी सेल भाजी, जिसमें हमने आलू और भिंडी को ही यूज किया है। आप चाहें तो इसमें पीस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।